हेलो गाइज, वेलकम टू AVS क्लासेस पावर्ड बाय शर्मा जी एजुकेशन। तो आज की जो क्लास है वो आपके लिए एक बेहतरीन क्लास हो सकती है, क्योंकि इस क्लास में हम फिजिक्स के बेस को कवर करने वाले हैं, जो कि है यूनिट एंड मेजरमेंट से लेकर। तो वो जो चैप्टर है, वो जो टॉपिक है, वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके जो जितने भी आपने पढ़ा हुआ है, जितना भी चीज़ें आपने कंबाइंड रूप से पढ़ी हुई हैं, उन सभी को बराबर बराबर लेकर चलता है। क्यों? क्योंकि वहां से आपको कॉन्सेप्ट उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको यूनिट और उसकी डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, ये हम आज के लेक्चर में जरूर मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले मैं 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा, और आज की जो क्लास है उस क्लास में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दे रखा होगा, तो वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं, आप इस पेज पर पहुंचेंगे। तो यहां से आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा क्रिकेट मैराथन IIT JEE केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप अगर IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जरूर यहाँ पर नोटिफाई मी पर क्लिक करिएगा, ताकि आपको जो एक ही क्लास में सब कुछ सीखने का मौका मिल जाए। और मैराथन जो क्लास का नाम है, इसी से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि ये जो क्लास है वो 1 या 2 घंटे की नहीं बल्कि 3-4 घंटे की क्लास होती है, जिसमें आपके जितने भी डाउट हैं वो भी आपके क्लियर करवाए जाते हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके क्लियर करवाए जाते हैं। उसके साथ ही आपको लाइव पढ़ने का मौका मिलता है, तो आप वहां पर अपने जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि आप अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर्स की क्लास भी ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे और बहुत सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे जिनकी स्पेशल क्लास, जिनकी प्लस क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास एक गोल्डन चांस है जहां पर आप इसमें अनअकैडमी पे जाके और जो स्पेशल क्लासेस हैं और जो प्लस क्लासेस हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं, और लाइव पढ़ने का जो मजा है वो अपना अलग ही होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आप वहां पर भी अपनी जो तैयारी है वो बेहतर कर सकते हैं। तो अभी दिए गए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए और नोटिफाई मी, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है क्लास के स्टार्ट होने पर वो आपको मिल सके, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, और बाकी अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाकर आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं IIT JEE यहाँ पर है, नीट है, CSIR, UGC नेट है, ठीक है। इसी के साथ भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इनमें से कोई भी कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो IIT JEE पर क्लिक कर लीजिएगा और वहां पे आपको अपने इच्छानुसार जो भी आप क्लास लेना चाहते हैं तो वो क्लास आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगी। तो बस इतनी सी बात, आपको यहाँ पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करना है और दिए गए पेज पर जाके नोटिफाई मी पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपने जो टॉपिक है उस पर वापस आते हैं, और वो टॉपिक क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो टॉपिक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, ओके, इस टॉपिक में आपको समझने वाली चीजें जो हैं वो ये है कि हमें यहाँ पे यूनिट के साथ साथ क्या निकालनी होती है, डायमेंशन फाइंड करनी होती है, ठीक है। डायमेंशन हमें फाइंड करनी होती है, तो डायमेंशन तब निकाल पाएंगे जब हम किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है उनकी जानकारी लेंगे, और उसी के साथ में फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम यहाँ पे, क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज इसको हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ विच एनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स की सहायता से, तो उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है। कौन कौन से 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज का एक पार्ट आता है फंडामेंटल, और फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा पार्ट इसी का आता है
जिसको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो एक फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई जो कि कभी चेंज नहीं होंगी, ठीक है, जिसको जो कि क्या होती हैं, पूर्ण रूप से सत्यापित होती हैं, या हम ये कह सकते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जिनको हम किन्हीं अदर फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से, की हेल्प लेकर क्या किया जाता है, डेराइव किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे लेंथ है, ठीक है, लेंथ एक क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा इसी के साथ में टाइम, ठीक है, मास भी आपका क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसी के साथ में और अगर देखें तो टेम्परेचर भी क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, इसमें डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ में फोर्स भी अपना क्या है, एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। फोर्स के साथ में अगर हम और बात करें वेलोसिटी की, तो वो भी क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। मतलब इनके अलावा जो ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ठीक है, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो लगभग लगभग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं। तो अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना चाहते हैं, तो टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी मीन्स द डिटरमाइन टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइम्स इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कंटेन्ड इन दैट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, नंबर एक, एक तो क्या होना चाहिए उसमें, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्यूरेसी, सबसे पहली चीज है एक्यूरेसी। दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, कन्वीनियंस होनी चाहिए, वो यूनिट जो है वो क्या होनी चाहिए, कन्वीनियंस होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी। चौथा जो है इक्वल जस्टिस टू ऑल, और इसी के साथ में ये जो है चीजें, देखो एक तो क्या परिशुद्धता होनी चाहिए उसके अंदर। आप कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी को की यूनिट अगर ले रहे हो, ठीक है, जैसे आप लेंथ की ले रहे हो, आप मास की ले रहे हो, आप एंगल को मेजर करने के लिए ले रहे हो, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ले रहे हो, तो उसके अंदर अपनी एक शुद्धता होनी चाहिए, परिशुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी। कन्वीनियंस मतलब आसानी से उपलब्ध होने वाली होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इक्वल टू जस्टिस टू ऑल, सभी के लिए समान होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पड़ोसी के लिए अलग है और हमारे लिए अलग है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इन सभी बातों का ध्यान रख के किसी मेजरमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, एक यूनिट तैयार की जाती है। ठीक है, इसी में अगर देखा जाए तो एक यूनिट इस बेसिस पर आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अब यहां से अगर देखेंगे तो किसी भी एक स्टैंडर्ड यूनिट को चूज करने के लिए, स्टैंडर्ड यूनिट को चूज करने के लिए उसमें क्या 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 उसमें खूबियां होनी चाहिए, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, नंबर एक होना चाहिए उसमें कंसिस्टेंसी, एक तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें उपलब्ध ही नहीं है वो, ठीक है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें परमानेंसी होनी चाहिए। चौथा इसमें कन्वीनियंस एंड एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, एंड एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये अगर खूबियां हैं तो वो यूनिट जो है वो क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, एक आदर्श आइडियल यूनिट हो सकती है। ठीक है, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑब्टेन ऑन मेजरिंग
a physical quantity is inversely proportional to the magnitude of the unit chosen. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे. फंडामेंटल यूनिट्स में आप कह सकते हैं कि द यूनिट यूज टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, जिनको जिनका यूज जो है वो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को को दर्शाने के लिए करते हैं. उसी के साथ में डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, ऐसी यूनिट जिनका यूज जो है वो हम डेराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए करते हैं. ठीक है, इसके साथ में सिस्टम ऑफ यूनिट की अगर हम बात करें, किसकी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट. नंबर एक FPS, दूसरा CGS एंड थर्ड इज MKS. ठीक है, लेकिन ये बेसिक तीन टाइप की होती है, लेकिन आजकल जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सी है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम SI यूनिट बोलते हैं. तो एक फोर्थ हम मान लेते हैं क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट. तो नोट डाल के लिख लीजिएगा, क्या, बेस्ड ऑन SI देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. क्या, सेवन फंडामेंटल, ठीक है, टू सप्लीमेंट्री, दो इसमें क्या होती है, सप्लीमेंट्री, और एक इसमें आती है कौन सी, डेराइव्ड. ठीक है, तो फंडामेंटल एंड देयर SI यूनिट्स अगर हम देखेंगे तो लेंथ है, लेंथ की क्या होती है, मीटर. तो यहां पे हम नोट कर लेते हैं, तो लेंथ की SI यूनिट्स क्या होगी, तो मीटर, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एम. मास की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम. ठीक है, सिंबल मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधे यहीं पे लिख दूंगा, किलोग्राम. टाइम की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड. ठीक है, सेकेंड, और इसका सिंबल क्या है, S, यहाँ पे लिख देता हूँ. इसी के साथ में थर्मोडायनेमिक. ठीक है, टेम्परेचर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसका जो होता है वो क्या होता है, केल्विन, और इसको हम केसेस शो करते हैं. फिफ्थ जो है इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला, और इसको हम CD से शो करते हैं. सिक्स जो आती है वो आपकी आती है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और इसको हम A से शो करते हैं. इसी के साथ में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेवन्थ आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल, और इसको शो करते हैं MOL से. सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है, तो वो क्या क्या है, जैसे प्लेन एंगल. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, और RAD. इसी के साथ में आता है सॉलिड एंगल, और इसकी होती है स्टेरेडियन SR. ओके, तो ये इसकी क्या होगी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज.
इसी के साथ में बहुत सारी डेराइव्ड यूनिट तो बहुत सारी हैं, तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो बहुत सारी डेराइव्ड यूनिट हो सकती है, तो वो कोई लिमिट उसकी नहीं है। ओके, तो वो भी हम चेक कर लेंगे। तो अभी की जो क्लास है इसमें हम इतना ही, बाकी की जो इसकी डेफिनेशंस हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको और भी कुछ पढ़ना है सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टॉपिक बता सकते हैं, वहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियोस की पर कवर कर लेंगे। तो फिलहाल हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आपका जो कोर्स है, जो आपका जो फिजिक्स का एक बड़ा सा भाग है मैकेनिक्स का, उसको कवर किया जाए। तो इसकी शुरुआत हमने आज से कर दी है, तो आप इसमें रुचि दिखाएंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे, तो और बेहतर तैयारी आपकी हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।